A very good morning to all of you, my dear students. Myself Nilesh Kumar. आज आप लोग के सामने इंडियन साइंस का ज्योग्राफी का लेक्चर टू है ये, जिसको लेकर आया हूँ. पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा तो उसमें हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था कि लैटिट्यूड होता क्या है, लॉन्गिट्यूड होता क्या है. अलग अलग लैटिट्यूड्स के लाइन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रीनविच के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसको स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है. आज इस लेक्चर टू में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया का नेवर्स कौन कौन सा है और इंडिया का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड कहाँ पे है. तो आप यदि लेक्चर वन को नहीं देखे हैं तो मैं फिर से कहूँगा कि आप लेक्चर वन को जरूर से जरूर देख लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो जो भी मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. मैं फिर से कहूँगा यदि आपने नहीं देखा है लेक्चर वन तो लेक्चर वन को पहले देखिए फिर लेक्चर टू देखने आइएगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. पहला जो स्लाइड है इसमें लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा गया है जो मैं पिछले क्लास में भी ओरली बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट्स बता दिया हूँ. आप इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको मतलब जब भी पढ़ना हो तो रिविजन हो जाएगा. इंडिया जो है हमेशा जो वर्ल्ड मैप है उसमें आप देखिएगा, चाहे ग्लोब में देखिएगा, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे लाई करता है. ऐसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच का जो रीजन है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर इंडिया का पोजीशन है, इसलिए इंडिया को हम ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं कभी कभी. इसकी जो मेन लैंड्स है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दिया हुआ है, जो मैं पिछले वीडियो में एक मैप के माध्यम से दिखाया था. आप उस वीडियो को देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उस मैप का. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, एक्चुअली जो यहाँ स्टार आपको दिख रहा है वो डिग्री है और डिग्री मुझे मिल गया है टाइप करने के, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दिया. वो जो है कंट्री को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 7 स्टेट्स को होते हुए गुजरता है, 7 राज्य से होकर निकलता है. और इंडिया का सबसे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट कहाँ है? सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट. हम लोग क्या समझते हैं कन्याकुमारी सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है. सबसे दक्षिण जो पॉइंट है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट. देखिए जो कन्याकुमारी है वो एकदम जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहां पे है, लेकिन इंदिरा पॉइंट वहां से आप जैसे थोड़ा वे बंगाल की तरफ जाइएगा वो वाला जो पॉइंट है उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं और वही सबसे अंतिम पॉइंट है. चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है. जैसे हम लोग पिछले क्लास में ग्रीनविच लाइन के बारे में पढ़े थे, इसको प्राइम मेरिडियन कहते थे. वो क्या है? वर्ल्ड के लिए एक पॉइंट है जहां से हम जीरो मानते हैं उसको, और उससे ईस्ट जाते हैं तो टाइम बढ़ता है और वेस्ट आते हैं तो टाइम घटता है. उसी तरह हर एक कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जहां से उसको जीरो मान के, ओरिजिन मान के हम टाइम को नापते हैं. तो हमारे कंट्री का भी एक ओरिजिन टाइम है, मतलब जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जो 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, जो अलाहाबाद होते हुए गुजरता है. आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला लाइन, ये लाइन जो है अलाहाबाद होते हुए निकलता है. ये 82.5 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है और यहीं से हम इंडिया का टाइम को स्टैंडर्ड मानते हैं. ये जीरो टाइम होता है. और मैंने बताया था कि देखिए क्या है कि यहाँ पे जो गुजरात है हमारा पूरे पश्चिम में और जो अरुणाचल प्रदेश है पूरा पूरब में, तो सबसे पहले सूर्य पूरब की ओर निकलेगा, तो यहाँ से सनरेज यहाँ तक पहुँचने में समय लगता है. इसलिए सनरेज यहाँ पे जल्दी होता है, इस रीजन में जल्दी होता है और इस रीजन में लेट से होता है. जिस कारण से क्या होता है कि जो टाइम डिफरेंस है दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का आता है. क्योंकि देखिए यहाँ पे 68 डिग्री ईस्ट है, मतलब इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, और ये 97 डिग्री है. तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, इस कारण से इन दोनों के बीच में टाइम होता है लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आता है. मतलब यहाँ सूर्य जल्दी निकलेगा और यहाँ पे सूर्य जल्दी डूबेगा नहीं, मतलब ये लेट से डूबेगा, यहाँ जल्दी अंधेरा हो जाएगा. तो ये यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिफरेंस आता है टाइम का वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स का होता है, है ना. अब ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है यहीं से हम लोग टाइम को मानते हैं कि ये वाला जो टाइम है यहाँ से हम ईस्ट की ओर जाएंगे तो टाइम क्या होगा? घटेगा. और इधर आएंगे तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा. क्योंकि इधर क्या होगा? सूर्य का रोशनी अरुणाचल प्रदेश से मान लो कि निकला तो बिहार में सबसे पहले पहुंचेगा ना, कंपेरिजन टू गुजरात. उसके बाद इधर जो मध्य प्रदेश होगा वहां लेट से पहुंचेगा कंपेरिजन टू बिहार. तो जो टाइम डिफरेंस है वो लैटिट्यूड की वजह से थोड़ा बहुत चेंज होता जाता है. जैसे प्राइम मेरिडियन में भी क्या होता है कि हर एक 1 डिग्री पे 5 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है. मतलब हर एक 1 डिग्री बढ़ेंगे तो या तो 5 मिनट घटेंगे या तो 5 मिनट बढ़ेंगे. मतलब ईस्ट की ओर गए तो +5 और वेस्ट की ओर आए तो -5. ठीक है, चलिए अब हम साइज की बात करते हैं. इंडिया का साइज क्या है? तो जो इंडिया है वो बहुत बड़ा लैंडमास है और उसका जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में एक डाटा है
दिया गया है और कुछ नहीं है। 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये दुनिया का जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया मतलब लैंड, माउंटेन, रिवर, लेक, सारा कुछ, सारा एरिया को हम, उस सारे एरिया को ज्योग्राफिकल एरिया कहते हैं। सिर्फ लैंड के बारे में बात नहीं कर रहा, ज्योग्राफिकल एरिया में सारा पानी, लैंड, सब कुछ, वो 2.4% है। वही चीज थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ जो मैंने बताया था अभी, कि टाइम लैग जो होता है लगभग 2 घंटे का होता है हिमाचल प्रदेश से गुजरात तक, ड्यू टू लैटिट्यूडनल डिफरेंस। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बता दिया कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में लोकेटेड है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जो अलाहाबाद प्रयाग से होते हुए उत्तर प्रदेश से निकलता है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं पूरे कंट्री का। देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी किसी कंट्री का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे अमेरिका का 3 या 4 शायद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका आप स्टैंडर्ड टाइम क्या लेते हैं, तो वो आप एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इंडिया का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। तो इंडिया का आप यदि वर्ल्ड का मैप देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि जो ये पोजीशन है इंडिया का, ये सेंट्रल है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एकदम सेंटर में है दुनिया से। और ये जो एक रूट्स ये कनेक्ट करता है ईस्ट में यूरोप से और कंट्रीज को ईस्ट एशिया से जोड़ता है। यहाँ देखिए इसका जो रूट्स है बहुत सारे, जो ब्लू लाइंस आपको दिख रहे होंगे, ये जो ब्लू लाइंस है आपका, ये रूट्स बता रहा है। ये सब क्या बता रहा है, रूट्स बता रहा है कि इंडिया क्योंकि समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे देशों से इसका कांटेक्ट बड़ा आसानी से हो जाता है, जिस कारण से ये समुद्र के रास्ते से किसी भी देश में आराम से व्यापार कर सकता है। और इसका जो मतलब कम्युनिकेशन है वो बड़ा ही स्ट्रांग है, आज से नहीं बहुत पहले से, क्योंकि इसका जो मतलब पोजिशन है वो बड़ा ही यूनिक पोजिशन है दुनिया के किसी और देश के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे देखिए, तो समुद्र के रास्ते से आराम से ये पूरा जो इधर वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पे जा सकता है, सऊदी अरेबिया, यमेन, सुदान, इजिप्ट, उसी तरह से ईस्ट में भी आराम से कहीं भी जा सकता है, थाईलैंड, क्योंकि ये पूरा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। और इधर इसका चाइना के साथ भी ऑलमोस्ट अच्छा ही रिलेशन है, तो वहां भी आराम से व्यापार कर सकता है, लैंड लॉक्ड भी है। देखिए ऊपर ये वाला हिस्सा, देखिए लैंड लॉक्ड है ये वाला हिस्सा, और ये वाला समुद्र से घिरा हुआ है, दोनों हिस्सा से क्या कर सकता है वो अच्छे से व्यापार कर सकता है, और मतलब दुनिया के किसी भी देशों से इसका संपर्क अच्छे से है, क्योंकि इसका पोजीशन ही बड़ा अच्छा है। उसके बाद है इंडिया का कोस्ट लाइन भी, देखिए यहाँ पे आप यदि कोस्ट लाइन देखिएगा, तो कोस्ट लाइन देखिएगा, ये जो कोस्ट है आपका, ये वाला देखिए, जो कोस्ट का इलाका है ये सबसे लंबा है, इतना बड़ा आप इस मैप में देखिए किसी का भी इतना बड़ा कोस्ट लाइन नहीं होगा, मतलब ये गुजरात से स्टार्ट होता है, यहाँ पे कहीं हमारा गुजरात है, मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा होते हुए इधर चेन्नई, उड़ीसा, उत्तर वेस्ट बंगाल होते हुए यहाँ पे हमारा जो है पूरा लंबा कोस्ट लाइन है इसका। इसको हम दो हिस्से में बांटते हैं, आगे हम लोग भी पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट करके, उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है कि इंडिया का जो ओशियन का नाम है, इंडियन ओशियन इसलिए दिया गया क्योंकि उसका पोजिशन यूनिक है और इंडियन ओशियन के बहुत करीब है, इस कारण से इसका नाम हम क्या किए हैं, इंडियन ओशियन दिया गया है। इंडिया का दुनिया से कांटेक्ट आज से ही नहीं है, बहुत पुराने समय से ही है, बहुत सारा आइडियाज और कम्युनिटीज बहुत पुराने समय से ही, बहुत सारे ट्रैवलर्स पढ़े होंगे हिस्ट्री में, बहुत सारे ट्रैवलर्स, खासकर चाइनीज ट्रैवलर्स वगैरह, हमारे जब राजा महाराजा हुआ करते थे मुगल समय भी, बहुत लोग इंडिया में आए उनके बारे में स्टडी करने के लिए, तो उस समय से ही इंडिया में उनका विचार हमारे पास, और हमारा जो कॉमोडिटीज वगैरह है, सिल्क रूट के बारे में भी आगे पढ़ना है, जो चाइनीज लोग सिल्क रूट बनाया था इसको एंशियंट रूट कहा जाता है, वो सब इंडिया का जो बाकी दुनिया से कॉन्टेक्ट है बहुत पुराना है, आज का नहीं है। ठीक है, तो ये इस मैप से आप समझ रहे हो कि इंडिया का पोजीशन कैसा है, इंडिया का कोस्ट लाइन कैसा है, और इंडिया दूसरे दुनिया से संपर्क करने के लिए उसके लिए क्यों आसानी है। ठीक है, आगे चलते हैं, इंडिया का नेवर्स का बात करें, देखिए इन द नॉर्थ वेस्ट, यदि आप नॉर्थ वेस्ट में देखिए, तो ये यहाँ पे यदि हम लिख दें ऐसे, तो ये हमारा क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला रीजन, यहाँ पे देखिए कौन सा है, पाकिस्तान है हमारा, अफगानिस्तान है। हाँ, इधर ईस्ट में आ जाइए, मतलब नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो तिब्बत है, नेपाल है हमारे उत्तर में जो एकदम बिहार के बगल में है। इधर साउथ में आ जाइए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे कहीं मालदीव्स है। हाँ, दोनों क्या है, एक आइलैंड है। उसी तरह अब आप आ जाइए यहाँ पे, इधर क्या है, और सारा साउथ में दो, श्रीलंका और मालदीव जो मैंने बताया, ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान। नॉर्थ में देखिए यहाँ पे, नॉर्थ में यदि आप देखिएगा तो चाइना, नेपाल और भूटान, देख रहा है, ये चाइना, नेपाल रहा, ये रहा भूटान। ईस्ट में इधर, ईस्ट में अभी देखिए, सॉरी,
इसमें म्यांमार और थाईलैंड है ना। तो इस तरह से सारा लोकेशन बताया गया है कि इंडिया का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, ये डाटा है सिंपली सा, आप याद कर लीजिएगा। देखिए इस पूरे चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा डाटा है, कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया, पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया, आप उसको नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। तो लेक्चर 1 में हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, लेक्चर 2 में हम लोग इंडिया के पोजीशन, इंडिया का रूट्स वगैरह के बारे में, इंडिया का जो पोजीशन है दुनिया के रिस्पेक्ट में क्यों अच्छा है इसके बारे में पढ़ा, व्यापार करने के लिए क्यों यूजफुल, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको यूजफुल होगा एग्जाम के लिए। इंडिया का नेबर्स कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस मैप को आप ध्यान से एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से स्टडी कीजिएगा। ये मैप ऐसे लिया गया है एनसीईआरटी के बुक से, यदि आपके पास घर पे होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, इस सारे का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे के जो स्लाइड में है उसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि एरिया के हिसाब से सबसे स्मॉल स्टेट कौन सा है और सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है। या पहले के क्लास में भी टीचर्स जो पढ़ाते होंगे आपको बताए होंगे कि सबसे स्मॉल स्टेट कौन सा है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, उसी तरह से कौन सा स्टेट है इसका इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और ना ही उसका कोई भी जो स्टेट है वो कोस्ट से में लाई करता है। जैसे देखिए इसको हम यहाँ देखें तो ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला ये कोस्ट लाइन है, हाँ इधर इसका इंटरनेशनल बॉर्डर है, इधर जो भी राज्य होगा इसका भी इंटरनेशनल बॉर्डर है। आपको सेंट्रल इंडिया जो बीच का इंडिया है वहां पे आपको दिखेगा कि बहुत सारा राज्य है जो लैंड लॉक्ड है, मतलब उसका इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, अगल बगल के राज्य के साथ ही उसका बॉर्डर मिलता है। तो आपको ऐसा राज्य फाइंड करके आंसर बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, यही समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपको इस तरह का वीडियो बना के देने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी नाइस डे है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।